लिया प्रयागराज से, जहां उतराव के भदवा गांव का एक युवा समाजसेवी ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग छेड़ दिया है। अब तक 1000 मास्क बनवा कर जरूरतमंदों को वितरित कर कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है। भदवा गांव निवासी अजय पाल युवा समाजसेवी है। वे प्रतिदिन जब से लॉकडाउन लगा है लोगों की सेवा कर रहे हैं, जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री वितरित करने के साथ इलाके में सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में लगभग 1000 मास्क बनवाकर वितरित किया है। इससे इतर समाज सेवी के द्वारा लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए जागरूक किया गया। बताया गया कि एकांतवास में रहकर ही वायरस से बचने का सबसे अच्छा रास्ता और सरल तरीका है। हंडिया से सुकुमार पटेल की रिपोर्ट। नाम अजय कुमार पाल। कहाँ के रहने वाले? भदवा हंडिया प्रयागराज। कोरोना वायरस जो महामारी फैली है जी, इसमें समाज के लिए आप क्या कर रहे हैं? समाज के लिए मास्क वितरित और लोगों को जागरूक करने लेके हम गवर्नमेंट जॉब जैसे करते हैं, डॉक्टर उनसे भी हम अप्लाई करते हैं कि आप आइए हमारे गांव के ग्रामीणों को जागरूक करिए, उनको भी मास्क देते हैं और अपने ग्राम सभा को बतवाने के लिए तत्पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उतना मौजूदा मास्क नहीं मिल पा रहा है हमें। अब तक कितना मास्क आप क्षेत्र में बांटे हैं? मिनिमम 1000 पीस। जगह जगह जाकर के बटवा। जी जी जी, आप बादशाहपुर से मिस्टर मनोज कुमार यशो आल स्टाफ, बरना आल स्टाफ, सीओ कुलपुर आल स्टाफ, उतराव आल स्टाफ, एक्सियन संदीप कुमार मौर्य आल स्टाफ, और आपका ये भी सैदाबाद उपखंड बिजली विभाग आल स्टाफ, और यहाँ पर आपका ये अभी देख कर आए आपके पत्रकार महोदय को, और बाकी अभी जो मास्क हमारे पास है मौजूद हम देते हैं, अभी कल भी देना, अभी दिल करना है।